question. Offsets are short measurement from a chain line. Ties of check line which are perpendicular to the chain line. Set of minor instrument in chain surveying. Chain line which go out of alignment. ठीक है, अब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑफसेट. तो यदि ये सर्वे लाइन है, यदि सर्वे लाइन क्या लाइन होती है, जिस लाइन के लाइन ऑफ एक्शन में हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं सर्वे लाइन. प्रोग्रेस ऑफ वर्क उसको बोलते हैं सर्वे लाइन. तो मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है और यहाँ पे कोई पौंड है, तालाब है यहाँ पे, और आपको इसकी पेड़ के आसपास की जगह का डिटेल मेजरमेंट करना है और इस पौंड के आसपास का डिटेल मेजरमेंट करना है. तो इस सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर या लेटरल डायरेक्शन में, नॉट सी द परपेंडिकुलर, सी द लेटरल डायमेंशन में हम मेजरमेंट करते हैं, और जो लेटरल डायमेंशन हम लाइन को भेजते हैं उसको हम बोलते हैं ऑफसेट. ठीक है, और ये ऑफसेट ऐसे भी हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइज. ठीक है, इसको बोलते हैं टाई. जो ये टाई होता है एक तरह का ऑफसेट ही होता है, और उसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू ऑफसेट, और ये होता है सिंपल ऑफसेट. तो ऑफसेट क्या होता है, ये होता है शॉर्ट मेजरमेंट फ्रॉम अ चैन लाइन. और ऑफसेट को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑफसेट एक लेटरल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. देखो मान लो ये सर्वे लाइन है, इसके लेटरल डायरेक्शन में आप मेजरमेंट कर रहे हैं, इसके मेजरमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये टाई के रेस्पेक्ट में या फिर ऑफसेट के रेस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट. तो ये ऑफसेट जब ये इस तरह का जो ऑफसेट हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं फॉर द स्मॉल एरिया के लिए. ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए. और ये मेजरमेंट शॉर्ट मेजरमेंट होता है फ्रॉम अ चैन लाइन. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेक लाइन. मान लो आप एक सर्वे मेजरमेंट कर रहे हैं और आपने ऐसे पूरा पूरा मेजरमेंट कर लिया. ये पॉइंट मैंने माना ए, ओके, और ये मैंने माना सी, ये मैंने माना बी, तो इसको बी माना है. ये मैंने मान लिया पॉइंट ए, इसको मैंने माना डी सी, एंड इसको मैंने बी मान लिया. ओके, तो जो ये पॉइंट है ना ए डी सी बी, इन पॉइंट को हम बोलते हैं मेन स्टेशन. क्या बोलते हैं? मेन स्टेशन. ओके, तो जो ये चेक लाइन होती है ना, ये लाइन इस लाइन से हम डालते हैं. मान लो आपको ए से इस वाले पॉइंट का मेजरमेंट करना है, इसे मैं मानता हूँ आई जहां कट करता है, और ये जो सी पॉइंट है या यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट माना है, तो उससे हम इसका मेजरमेंट करना है, उसको बोलते हैं चेक लाइन. ये चेक लाइन जो मेजर करती है, ये करती है एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, कि वर्क की कितनी एक्यूरेसी है, उसको बोलते हैं चेक लाइन. तो ये चेक लाइन नहीं होती है ऑफसेट. ऑफसेट क्या करता है, डिटेल देता है किसी भी. मान लो ये यहाँ पे कोई चीज है, तो यहाँ से ये सर्वे लाइन है, इससे हम ऑफसेट डालेंगे और मेजरमेंट कर लेंगे, उसको बोलते हैं ऑफसेट. तो चेक लाइन होती है वो इनर पार्ट दिखाता है. ठीक है, कि आपको यदि प्लॉटिंग करनी है और एक्यूरेसी दिखाने की, इस वाली लाइन की एक्यूरेसी क्या है, तो उसको हम बोलते हैं चेक लाइन. क्या बोलते हैं? चेक लाइन. सो ये इसका आंसर नहीं है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट. अब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेस लाइन मेजरमेंट. मान लो ये कोई सर्वे ग्राउंड है जहां से आप मेजरमेंट कर रहे हैं. और ये ए पॉइंट है, ये सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं. ओके, और ये लाइन मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं चेक लाइन. ओके, नॉट चेक लाइन, दिस इज बेस लाइन. एंड यहां से मेजरमेंट करते हैं, यहां से. ओके, तो यदि ये मेन स्टेशन है, ए डी सी बी इज अ मेन स्टेशन, तो बेस लाइन का मेजरमेंट जो होता है ना, वो होता है लार्जेस्ट मेन सर्वे लाइन विच जनरली पास थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड. जो भी हम एरिया सर्वे कर रहे हैं उसके सेंटर पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसको हम बोलते हैं बेस लाइन. क्या बोलते हैं? ये देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ी लाइन है कौन सी है? बी डी इज अ बेस लाइन.
बेस लाइन, ओके उसको हम बोलेंगे बेस लाइन। तो इस बेस लाइन का जो मेजरमेंट होता है ना, वो मेजरमेंट करता है कि व्हाट इज द प्रिसाइज ऑफ द वर्क, कि आपने कितना मेजरमेंट अच्छे से किया है। और ये जो ये यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ आई और इसको मान लेता हूँ जी। जो ए आई और जे सी है, सी जे है, ये जो लाइन है ना, इन लाइनों को हम बोलते हैं चेक लाइन। क्या बोलते हैं? चेक लाइन या फिर प्रूफ लाइन। ओके, ये जो चेक लाइन है ना, ये मेजर करता है एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड, कि आप यहां से मेजरमेंट करो कि उतना बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, यहां से मेजरमेंट करो कि इसकी डिस्टेंस क्या है, फिर हम ग्राउंड टोटल बाहर से मेजरमेंट करते हैं उसको, उससे पता चलता है कि व्हाट इज एक्यूरेसी क्या है मेजरमेंट की। तो सब चीज डिपेंड करती है किस वाली चीज पे, बीडी पे। यदि आपने बीडी का जो मेजरमेंट है ना वो आपने गलत किया है, इस बीडी का मेजरमेंट, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। तो इस बेस लाइन का जो मेजरमेंट करते हैं ना, वो हम करते हैं इनवार टेप से। आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, इनवार टेप। तो जो इनवार टेप होता है ना, वो एक अलॉय होता है, एलॉय होता है किस का, निकिल का प्लस स्टील, ठीक है। और जो उसमें निकिल होता है वो होता है 36% और जो स्टील होता है 64%। ओके, तो ये जो इनवार टेप है ना, ये इनवार टेप बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, इट इज वेरी हाईली एक्यूरेट एंड वेरी स्मूथ थर्मल, जिसका अल्फा होता है ना, थर्मल कोफिशिएंट बोलते हैं अल्फा को, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन होने का कोई चांस ही नहीं है। मान लो मैकेनिकल टेप आपने यूज किया और उसमें अल्फा का इफेक्ट हो गया, ठीक है, तो वो तो एक्सपेंड करने लगेगा, लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा उसमें, पर इनवार टेप में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट ये जो टेप होता है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसमें डिफॉर्मेशन आराम से हो सकता है। तो इसका, इसको जो रखा जाता है ना, अटेंशन बहुत ज्यादा होती है इसमें, मच अटेंशन होती है। ओके, समय के मॉडल मीनिंग ऑफ इनवार टेप, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, एन इनवार टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ, तो जो इनवार टेप होता है ना वो अलॉय से बना हुआ होता है। जो अलॉय होते हैं वे होते हैं स्टील्स के अलॉय होते हैं, अलॉय ऑफ स्टील एंड निकल, ठीक है। जो इसमें जो निकल होता है ना वो होता है 36% एंड जो स्टील होता है वो होता है 64%। ओके, तो ये जो बना हुआ होता है वो होता है स्टील एंड निकल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये बहुत बेस लाइन का जो मेजरमेंट है, बेस लाइन का जो मेजरमेंट होता है वो इससे होता है, एंड हम अल्फास का बहुत ही कम होता है। अल्फा क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और इसका ये बहुत ही अटेंशन भी पड़ती है इसके लिए और मोस्ट एक्यूरेट होता है। ओके, तो ये सब चीज आपको जाननी पड़ेगी, मोस्ट एक्यूरेट। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर ऑफ द लिंक इन 30 मीटर मैट्रिक चैन, ठीक है, 30 मीटर मैट्रिक चैन यूज कर रहे हैं हम। ओके, तो ये जो मैट्रिक चैन होती है ना, ये दो तरह की आती है, 20 मीटर की आती है और 30 मीटर की आती है। आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिंक। तो यदि मैं एक सर्वेइंग चैन बनाऊं जो हम यूज करते हैं फील्ड में, तो वो सर्वेइंग चैन कुछ ऐसी होती है, उसमें एक ऐसा हैंडल होता है और उस हैंडल में ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं, ऐसे बने हुए, फिर ऐसी लेंथ होती है और ये और फिर ये ऐसे। ओके, तो ऐसे होती है। तो जो ये लिंक होता है ना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम बोलते हैं लिंक, ठीक है। तो 1 मीटर की जो लेंथ होती है ना, उसमें 5 लिंक होते हैं यदि हम मैट्रिक चैन यूज कर रहे हैं। कितने होते हैं? 5 लिंक। तो यदि 30 मीटर की चैन है तो कितने लिंक होंगे? 30 × 5 तो हो जाएंगे 150 लिंक्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यदि आपसे वो पूछे कि 20 मीटर की लाइन में कितने लिंक होते हैं, तो 20 × 5 तो हो जाएंगे 100 लिंक। सो अब इसने 30 मीटर का पूछा है, तो 30 मीटर में कितने जाएंगे? 150। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ
fixing ranging road on the extremities of the area, aligning the chain in straight line between the two extremities, taking offset from a chain line, changing over a range of mountain. तो समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेंजिंग. जो रेंजिंग होता है ना बेटा, उससे हम क्या करते हैं, हम उसे करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट. मान लो बहुत बड़ा सर्वे है आपको यूज करना है, तो हम कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट यूज करते हैं. या आपको कुछ चीज नहीं दिख पा रही है, मान लो कोई माउंटेन आ गया इसमें, ठीक है, तो आप यहाँ इस वाले पॉइंट का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट बनाएंगे. उन इंटरमीडिएट पॉइंट की हेल्प से आप रेंजिंग करेंगे, उसको हम बोलते हैं. और इसमें रेंजिंग रोड यूज कर जाता है, रेंजिंग रोड डालते हैं और उसको खड़े करते हैं, उसको उसको हम साइड करते हैं, उस देखते हैं रेंजिंग रोड को, ठीक है. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंजिंग, ठीक है. तो अब रेंजिंग से करते क्या है, तो जो ये रेंजिंग होता है ना, इस रेंजिंग से हम मेजरमेंट करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट की हेल्प से ऑफ द टू एक्सट्रीमिटीज पॉइंट. मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट तक का आपको मेजरमेंट करना है, तो आप एक चैन छोटी चैन से बड़े मेजरमेंट को नहीं कर सकते हैं, तो कुछ रेंजिंग पॉइंट डालते हैं, रेंजिंग रोड लगाएंगे. उन रेंजिंग रोड को हम मेजरमेंट करेंगे और उन मेजरमेंट्स से हम चेन का अलाइनमेंट करेंगे. ये वोट इज हम चेन से करते हैं तो कितना कितनी लेंथ आती है, कितना मेजरमेंट होता, यदि हमें रेंजिंग से किया तो क्या मेजरमेंट आए. तो ये हो गए टू एक्सट्रीमिटीज पॉइंट, है ना. इन एक्सट्रीमिटी पॉइंट्स को जो अलाइनिंग करेंगे चेन से इन स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं रेंजिंग, ठीक है. तो आप देखते हैं कि व्हाट इज द ऑप्शन, ओवर ऑप्शन क्या है. फिक्सिंग रेंजिंग रोड ऑन टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ एरिया, नहीं. मान लो बहुत बड़ा एरिया आया तो आपको इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी रेंजिंग करनी पड़ेगी. तो यदि आप बाहर बाहर करोगे तब भी, मान लो ये पॉइंट बहुत दूर होता तो आपको रेंजिंग रोड दिखेगी नहीं, आप इतनी उसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ होता है जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उससे दूर यूज करेंगे तो दिखेगा नहीं रेंजिंग रोड. तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. वो कह रहा है टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम चेन लाइन, टेकिंग जो ऑफसेट किया जाता है वो छोटे एरिया के लिए किया जाता है, स्मॉल एरिया के लिए. ओके, यदि लार्ज एरिया तो ऑफसेट से कुछ भी फायदा नहीं होगा. चेनिंग ओवर ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, ये अलग तरीका की पूछ रहा है. वो है चेनिंग ओवर ए रेंज ऑफ माउंटेन, यदि माउंटेन को चेनिंग करना है तो जब भी नहीं कर सकते हैं. तो रेंजिंग दो तरह की होती है, तो ये भी चेनिंग ओवर रेंज माउंटेन, तो ये इज नॉट अ रेंजिंग प्रोसेस. चेनिंग ओवर रेंज माउंटेन को ही हम रेंजिंग नहीं बोलते हैं. मान लो ग्राउंड सरफेस फ्लैट है, वो बहुत ही बड़ा है, तभी तो हम रेंजिंग करेंगे, है ना. तो इज नॉट अ पर्टिकुलर फॉर अ माउंटेन, इट इज अ, ये उसके लिए है कि बहुत ही बड़ा मेजरमेंट करना है आपको. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम वूल टू पार्ट is used in surveying because plotting become easy, survey work can be completely quickly, accumulation of errors prevented, all of the above. ठीक है, तो समझो what is the meaning of the working from wool to part. जो surveying का जो principle है ना, वो दो principle पे use होता है. एक होता है working from wool to part, है ना, इससे हम सर्वेइंग करते हैं. और नंबर टू होता है कि बाय द हेल्प ऑफ टू पर्टिकुलर पॉइंट, हमें दो फिक्स पॉइंट पता होता है और तीसरा पॉइंट हम निकाल लेते हैं, है ना. मान लो मुझे पी क्यू पता है और पी एस पता है, तो उसकी हेल्प से मैं सर्वे करता हूँ, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि वर्किंग फ्रॉम वूल टू पार्ट में क्या होता है. मान लो ये मेजरमेंट आपको करना है बड़ी वाला, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस बड़ी वाली लाइन को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है. ये बड़ी वाली लाइन का मेजरमेंट किया हमने, फिर हम उसके अंदर जाते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, फिर अंदर हम मेजरमेंट करते हैं और फिर उसके अंदर जाते हैं, फिर अंदर का मेजरमेंट करते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं, फिर यहाँ का मेजरमेंट करते हैं. ओके, तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग फ्रॉम वूल टू पार्ट. तो इसमें मतलब क्या होता है कि यदि मैंने मेजरमेंट किया और मैंने बाहर का मेजरमेंट किया, तो वो जो एरर आया बाहर वाली बाउंड्री में, वो मैक्सिमम एरर आ गया जितना आना था बाउंड्री में. यदि मैं उसके अंदर जाऊंगा तो एरर कम आएगा, लेस एरर कंपेरिजन टू दिस बाउंड्री एरर. तब मैं और अंदर जाऊंगा तो एरर और भी कम आएंगे, यदि मैं और अंदर जाऊंगा तो एरर और भी कम आएंगे. तो एरर क्या हो रहे हैं, एरर का जो एक्यूमुलेशन है वो प्रिवेंटेड हो रहा है ना. तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन प्रिवेंटेड, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड.
अब मान लो कि ये कोई ग्राउंड है और आपने मेजरमेंट छोटे पार्ट से किया, यहाँ से मेजरमेंट किया, फिर कुछ डिस्टेंस पे यहाँ से मेजरमेंट किया, फिर कुछ डिस्टेंस पे यहाँ से मेजरमेंट किया और फिर बड़े वाले पे मेजरमेंट कर लिया। ओके, तो अब क्या हुआ कि यदि जब आप छोटे वाले पार्ट को मेजर किया आपने, तो उस छोटे वाले पार्ट में कुछ एरर आया होगा, है ना। फिर आपने बड़े पार्ट को किया तो वो पहला जो एरर है वो एक्यूमुलेट हो गया है, तो जब थर्ड पार्ट में जाएंगे उसमें और भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, जब फोर्थ पार्ट में जाएंगे तो और एक्यूमुलेट हो जाएगा। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 है, तो जब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 जाएंगे तो क्या हो रहा है, एरर का एक्यूमुलेशन हो रहा है बेटा। तो जब एक्यूमुलेशन का एरर हो रहा है ना, तो उससे हमारा, हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे, हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो आपका बहुत ही एम्बिगुअस होगा, है ना, और उसमें बहुत सारे एरर होंगे। तो हम क्या काम करते हैं, हम वूल टू पार्ट करते हैं कि पहले हम जो टोटल एरर है उसको निकाल लेते हैं, फिर छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके अंदर की साइड जाते हैं और फिर मेजरमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये देखो कि जब हम अंदर से बाहर की साइड प्रूव कर रहे हैं ना, तो वो ईजी पड़ता है हमें करना, लेकिन जब बाहर से अंदर की साइड करते हैं तो वो ईजी नहीं होता है, पर हमें करेंगे क्योंकि हमें एरर कम करने पड़ेंगे। मान लो कोई छोटा काम कर रहे हो आप, है ना, बहुत ईजी वे से कर रहे हैं और वो गलत चीज निकाल के आ रही है आपकी, तो आपको बार बार करना पड़ेगा, इजी काम बहुत ही ज्यादा देर तक करना पड़ेगा, और आप एक पर्टिकुलर दिमाग लगाते हैं, वो बड़ी चीज को इजी कर लेते हैं एक बार, फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो इजी नहीं है पर आपको वो बेटर रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा, है ना। और सभी वर्क कैन बी कंप्लीटली क्विकली, नहीं, बहुत टाइम लगता है इसे करने में, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, ड्यूरेशन चेनिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द लीडर ऑफ द पार्टी हैज अ फोर एरोज इन हिज हैंड वाइल द फॉलोअर हैज अ सिक्स, डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जब हम सर्वे करते हैं तो हमारी सर्वेइंग टीम होती है, क्या होती है, सर्वेइंग टीम। उस सर्वेइंग टीम में एक होता है फॉलोअर, एक होता है लीडर। ओके, तो यदि हम चेनिंग कर रहे हैं तो जो हम चेन सर्विंग करते हैं ना बेटा, वो हम करते हैं स्मॉल एरिया के लिए। मान लो आपके पास 30 मीटर की चेन है, तो 30 मीटर चेन को जब मैं स्ट्रेट लाइन में लिख रखूंगा तो उसका एक एंड होगा जिसपे 0 होगा, और उस पे होगा 30 मीटर पे, तो जो फॉलोवर होता है ना वो 0 मीटर पे होता है ना, होल्डिंग है 0 एंड, ये 0 एंड को होल्ड करे हुआ होता है, और जो लीडर होता है वो 30 मीटर को होल्ड करा होता है, और इन फॉलोवर लीडर पे कुछ एरोज होते हैं, है ना। मान लो आपने ये ए टू बी मेजर किया, है ना, तो अब फॉलोवर ए से बी पॉइंट पे आएगा और जो लीडर है उसके पास जो एरो होगा वो इस एरो को यहाँ पे गाड़ देगा, और फॉलोवर आएगा इस एरो को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब जब ये हम आगे बढ़ेंगे तो ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और बी पॉइंट कहीं और होगा दूर पे, फिर ये 0 पॉइंट होगा, ये 30 मीटर होगा, पर इसके पास एक एरो होगा, एंड समझे। तो अब आप दोबारा मेजर करेंगे, फिर 30 मीटर मेजर करेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या, जो आपका जो लीडर है यहाँ पे एक एरो गाड़ेगा और जो आपका फॉलोवर होगा उस एरो को कलेक्ट करेगा। तो जो मेजरमेंट पर्टिकुलर कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है फॉलोवर, क्योंकि वो मेजर कर रहा है कितना, कितनी मीटर पे आपने एक एरो डाला, 30 मीटर की चैन का मेजरमेंट हो गया, फिर दूसरे पे डाला, फिर दूसरे एरो कलेक्ट कर लिया, तो जितने एरो फॉलोवर के पास होंगे ना आपने उतना मेजरमेंट किया, क्योंकि जो लीडर है ना उसके पास तो वी एरो भी होंगे जो उसने नहीं गाड़े हैं अभी तक, तो उसने मेजरमेंट नहीं किया है अभी तक, लेकिन जो फॉलोवर है ना उसके पास जो एरो होंगे वो वी एरो होंगे जो लीडर ने गाड़े हुए होंगे ग्राउंड में, उनसे मतलब उनका मेजरमेंट हो चुका है। सो फॉलोवर डिस्क्राइब करता है ड्यूरेशन और उसका जो स्टार्टिंग, जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं उसका पूरा 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 जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो सब फॉलोवर के पास होता है। तो यदि फॉलोवर के पास कितनी है, 6 चैन है, तो मेजरमेंट कितना हुआ, 6 चैन का हुआ है, 4 चैन का नहीं हुआ क्योंकि फोर्थ तो उसके पास 6 है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन, ए मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ स्टील इनवॉल्व लिनन एंड द क्लोथ एंड वायर्स। आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटेलिक टेप। जो मेटेलिक टेप होते हैं, जो बहुत सारे जो हम टेप यूज करते हैं ना, वे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि स्टील टेप हुआ, या फिर आपका जो इनवार टेप हुआ, ठीक है, और या फिर क्लोथ टेप हुआ,
है ना। और ये सब जो टेप होते हैं ना, ये अलग तरह के होते हैं, इनको अलग पर्टिकुलर जो भी कंडीशन होगी उसमें यूज करे जाएंगे। तो जो मटेरियल टेप होता है ना, वो मटेरियल टेप मेड अप होता है लिनन का और ब्रास का, विद द ब्रास एंड कॉपर वायर्स, कॉपर वायर होते हैं इसमें, है ना। तो ये वार्निश भी क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कोरोजन से। तो मटेरियल टेप जो मेड हुआ होता है ना, वो क्लॉथ एंड वायर से हुआ होता है। तो यहाँ पे लिनन भी दिया हुआ है ऑप्शन में, क्लॉथ भी दिया हुआ है। जो हम लिनन होता है ना, लिनन जो होता है वो क्लॉथ टेप ही होता है, इसको हम बोलते हैं क्लॉथ टेप और लिनन, ये दोनों एक ही बात होती है। लिनन क्या होता है, जो लिनन होता है ना, वो जैसे कि आप जो जीन्स पहनते हैं ना, उसमें जो हम कपड़ा यूज करते हैं, उससे हम उसके टेप को बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं लिनन, ठीक है। तो ये जो लिनन है ना, ये सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है, और वार्निश इसमें यूज किया जाता है फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ मॉइस्चर के लिए। लेकिन जो मटेरियल टेप होता है ना, उसमें कॉपर के वायर होते हैं, तो हम इसलिए मैंने इसको वायर वाला ऑप्शन दिया है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये क्योंकि लिनन का बना हुआ होता है, लिनन क्लोथ, और जो क्लोथ टेप है वो लिनन से बना हुआ होता है, तो लिनन तो इसमें आना ही आना है। एंड द वायर इज अ कॉपर वायर, कॉपर वायर इसमें यूज किया जाता है, जैसे कि हम इसका वोवन बनाते हैं, तो उसमें भी हम कॉपर वायर यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे।